तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। और शुरू करेंगे इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिजिटल एडुकेशन। सबसे पहले बता दूं कि यह पेपर आपका जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। सिलेबस मैं बताने जा रहा हूं, यह कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का है, ठीक, और सेमेस्टर वन के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं चाईबासा सेमेस्टर वन कोल्हान यूनिवर्सिटी में आपका डिजिटल एजुकेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। और यह पेपर है सेक के अकॉर्डिंग। सेक का फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है, डिजिटल एजुकेशन। तो हम लोग हिंदी में भी जानेंगे, इंग्लिश में भी जानेंगे। ये देखिए मैंने हिंदी ट्रांसलेट भी कर लिया है ताकि आप लोग को समझने में ईजी हो, आसानी हो। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजिटल एजुकेशन। यार हम लोग सब कुछ जानते हैं कि डिजिटल मतलब ही हो गया कि ऑनलाइन सारा चीज़, ठीक है। और यह पेपर सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या फिर कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हो, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है टॉपिक, तो आप सभी का एग्जाम सामने है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है यूनिट टू, चार को यूनिट पढ़ना है, डिजिटल एजुकेशन टूल्स। फिर पढ़ना है आपको डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, एंड चौथे नंबर पे पढ़ना है ई गवर्नेंस, ठीक है। चलिए हम इसको हिंदी में जानते हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं हिंदी बैकग्राउंड के हैं। तो देखिए पहला है आपका डिजिटल शिक्षा का परिचय, ठीक है। डिजिटल शिक्षा का परिचय यानी कि डिजिटल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन। इसमें आपको जानना होगा दोस्तों डिजिटल सिस्टम का अर्थ क्या है, यानी कि डिजिटल एजुकेशन का अर्थ क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर आ सकता है इसका विकास, डिजिटल सिस्टम का अर्थ लिखें, डिजिटल सिस्टम का विकास कैसे हुआ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर है डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व, ठीक है, डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व को लिखें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि डिजिटल शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा। डिजिटल शिक्षा यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन जैसे कि आप लोग अभी ले रहे हैं मोबाइल से, या डिजिटल एजुकेशन हो गया। पारंपरिक शिक्षा क्या है, जो कि हम लोग स्कूल जाके या फिर ऑफलाइन कहीं पे क्लास करके पढ़ते हैं, बुक वगैरह, वो पारंपरिक शिक्षा है, ठीक है। इनमें अंतर पूछा जा सकता है और इनमें क्या क्या समानताएं हैं ये भी पूछा जा सकता है, इनके लाभ और हानियां भी पूछा जा सकता है, ठीक है। डिजिटल शिक्षा के फायदे और नुकसान, वही हो गया लाभ और हानि, समझ गए। तो लाभ में तो बहुत सारे लाभ हैं कि जब मन करे तब पढ़िए, हानि में वही है कि आप इसमें भटक सकते हैं, सही रूप से गाइडेंस नहीं पा सकते हैं, अपने आप को बहुत अनुशासन रखना पड़ता है तभी जाके आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। नहीं तो पता चला कि आप ये खोले हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए और वहाँ पे लगा दिए हैं कुछ दूसरा चीज़, देखने में पूरा एकदम बिजी हो जाते हैं ना, समय बीत जाता है, घंटों बीत जाता है, शॉर्ट्स देख लेते हैं तो कभी कभी रशियन वगैरह देखने लगते हैं, मतलब क्या बताएं, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और यह रियलिटी है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यह डिजिटल एजुकेशन के हैं कि वही व्यक्ति इसमें फुल रूप से सक्सेसफुल हो पाएगा जो अपने आप पे कंट्रोल रखता है, अपने आप को अनुशासित रखता है, ठीक है, डिसिप्लिन में रखता है, इन सब को आपको बताना है। और खराबी में हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, आँखें खराबी होती हैं। यूनिट टू है डिजिटल शिक्षा का उपकरण। उपकरण मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि डिवाइस, ठीक है, डिजिटल एजुकेशन के डिवाइस। देखिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं प्रकरण। फिर है आपका एंटर एक्टिव टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल क्लासरूम, ठीक है। फिर है आपका लिंक्डइन। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव टूल्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल स्प्रेडशीट, गूगल फॉर्म, यूट्यूब, देखिए यूट्यूब भी आ गया। तो ये सारे जो हैं डिजिटल एजुकेशन के आपके उपकरण हैं, टूल्स हैं, ठीक है। इन सब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रमुख उपकरणों के बारे में बताएं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या सूचना संचार प्रौद्योगिकी एवं उपकरण इंटरएक्टिव टूल्स के नाम लिखें, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चाहे सूचना डिजिटल उपकरण में गूगल की क्या भूमिका है, ऐसा बताएं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकते हैं एग्जाम में। आगे देख लेते हैं, तो अगला आपको पढ़ना है भारत में डिजिटल शिक्षा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है कि भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए सरकारी पहल कौन कौन से हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए सरकारी पहल स्वयं, ई पाठशाला, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर है डिजी लॉकर। भारत में डिजिटल शिक्षा के लाभ और चुनौतियां कौन कौन सी हैं इसको बताने हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में डिजिटल शिक्षा के लाभ और चुनौतियों को स्पष्ट करें, चाहे लाभ और चुनौतियों को लिखें, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा आता है अंतिम यूनिट फोर। इसमें आपको ई गवर्नेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ई गवर्नेंस, ठीक है।
देखिए भारत में ई गवर्नेंस का परिचय दें, चाहे ई गवर्नेंस क्या होता है, आप लोग को नहीं मालूम होगा कि ई गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है, ये सब जानना है आपको। ई गवर्नेंस कितने प्रकार के होते हैं, ई गवर्नेंस के प्रकार G2C क्या है, ठीक है, फिर सरकार से नागरिक, जी मतलब गवर्नमेंट, टू मतलब से और सी मतलब सरकार, G2C लिखा है ना, इसका मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। फिर आपको G2E यानी कि गवर्नमेंट टू कर्मचारी, जिसको गवर्नमेंट टू हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। फिर G2B जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। इस तरह से आपको बहुत पढ़ना है और अंत में पढ़ना है G2G यानी कि झारखंड में ई गवर्नेंस के बारे में, ठीक है, झारखंड में ई गवर्नेंस। अरे यार कितना मच्छर काट रहा है भाई साहब, लाइन भी नहीं है। तो झारखंड में ई गवर्नेंस कैसे चलता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम सामने आएगा उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा जो कि एग्ज़ाम में भिड़ जाएगा, ठीक है। बाकी इसको डाउनलोड करके आप लोग घर में नोट कर लें और पढ़ें। अभी इसका PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।